आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे थर्मोडायनामिक्स लैब में, उसका नेम है जी प्रेशर मेजिंग बेंच। प्रेशर मेजिंग बेंच में आप डिफरेंट तरीके से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। मैं इसकी हल्की सी डेमोंस्ट्रेशन आपको देता हूँ। ये हमारे पास प्रेशर गेज लगी हुई है, इसका यूनिट जो है सेट वो मिली बार के अंदर है। तो इसके अंदर जो है ये वी टाइप मैनोमीटर एक लगा हुआ है, ये वी टाइप मैनोमीटर जिसके अंदर वाटर का एक लेवल है, उसके स्केल भी लगे हुए हैं कि किस लेवल पे आपका वाटर है। एक ये है, एक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर है जो इस ट्यूब्स के अंदर है। एक पॉजिटिव प्रेशर को शो करती है, एक नेगेटिव प्रेशर को शो करती है। तो हमारे पास ये प्रेशर देने के लिए एक सिंपल सी डिवाइस है, तो इससे हम प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। तो जितना प्रेशर आएगा उस प्रेशर से हम फिर मेजर करेंगे कि इसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हम ये जो बी टाइप मैनोमीटर है इसकी रीडिंग्स को हम नोट कर लेंगे। प्रेशर देने से पहले जब इसका ज़ीरो प्रेशर है तो ज़ीरो प्रेशर के अंदर आपका जो है इसका फर्स्ट का है जी 35, ये मिलीमीटर में है, और ये सेकंड जो आपकी ट्यूब है, ये जो मेयर कर लो सेकंड आपकी ट्यूब है, दिस इज इक्वल टू राउंड अबाउट 41। ये इसके ऊपर आपका अभी ज़ीरो प्रेशर के ऊपर ये लेवल है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें जो पॉजिटिव है दिस इज इक्वल टू 20, जो मेरे पास रीडिंग आ रही है दिस इज इक्वल टू 24, और दिस इज इक्वल टू 24.5। तो सिंपल आपकी जो डिवाइस है उससे हमने 30 तक इसको किया है, तो हम इसको अब प्रेशर देंगे। अब फर्स्ट रीडिंग हमारी आएगी प्रेशर की, ये हम इसको प्रेशर देते हैं 10 मिली बार। ये आपका यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये आपका प्रेशर 10 मिली बार आपका आ गया, ठीक है। तो ये 10 मिली बार प्रेशर के ऊपर आपका ये जो है मैनोमीटर, ये जो है इंक्लाइंड मैनोमीटर, इसकी आप रीडिंग बच्चों देख सकते हो। इसकी आ रही है ये 1 की 21 और सेकंड की 54। तो जब आप 10 मिली बार प्रेशर देते हो तो इसमें ये डिफरेंस आता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में जो डिफरेंस आता है दिस इज इक्वल टू 36 एंड 11। ओके, सेकंड रीडिंग के लिए मैं और थोड़ा सा प्रेशर दूंगा, राउंड अबाउट लाइक 20, ये 20 तक मैंने दिया है। तो 20 प्रेशर में हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं इस मैनोमीटर की, दिस इज इक्वल टू 70 एंड हेयर इज इक्वल टू 58। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये आ गया आपका 40, और ये आपका पहुंच गया है 8 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रेशर के साथ डिफरेंट रीडिंग्स ले सकते हो कि उससे क्या डिफरेंस आपके लेवल में आ रहा है। तो ये आप प्रेशर देने के बाद इसकी कैलकुलेशंस के लिए सिंपल ये हमने एक टेबल बनाया है, दिस टेबल। तो इसमें एक हेड वन है, दिस इज़ द हेड टू, और ये जो हमने कैलकुलेट करने हैं बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एंड थोरेटिकल प्रेशर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंपल फार्मूला इसके ज़रिए। ये इसके फार्मूले जो हैं वो एंड पे लिखे हुए हैं आप। तो इस तरह आपका प्रेशर का ये प्रैक्टिकल का